नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। मैंने अपने पिछले वीडियो गड़वी चलाने में बताया था भाग एक में कि कैसे गड़वी चलाई जाती है और गड़वी किसे कहते हैं। अब मेरा दूसरा पार्ट यानी भाग टू, जिसमें मैं आपको यह बता रहा हूँ कि गड़वी विद्या किस तरह से चलाई जाती है। जिस तरह गड़वी विद्या के द्वारा आप जमीन में गड़ा धन, तावीज, जादू टोना किया कराया, किसी ने आपकी जमीन में, खेत में किसी ने कुछ भी करके अगर अंदर गाड़ दिया हो, जैसे तावीज, गंडे, खोपड़ी, नींबू, नारियल, पुतले, मुर्दे की हड्डी या जमीन में गड़ा हुआ धन भी आप, जो आपके पूर्वजों का है, आप इस गड़वी विद्या से ढूंढ सकते हो। इसकी मदद से आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। गोरखपुर में एक अजीब तंत्र के सम्राट श्री योगी जय श्रीवास्तव से मेरी मुलाकात कुछ अजीब परिस्थितियों में हुई। वो मुलाकात आज भी मेरे लिए यादगार बन चुकी है। तंत्र का अद्भुत ज्ञान, सिद्धियाँ, श्रृंखलाएँ, तंत्र ज्ञान, टोटके, रहस्यमयी विद्याएँ, साधना, सिद्धि, प्रयोग, विधि, सभी का संपूर्ण ज्ञान, जैसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो। मैंने इनको केवल आजमाने के हिसाब से ही गढ़वी विद्या को जानने की कोशिश किया कि क्या आप इस विद्या को जानते हो। तो उन्होंने बिना किसी सवाल के जवाब के मेरी आंखों के सामने गाड़ी की चाबी, मेरी आंखों के सामने बिना बोले गढ़वी विद्या की सारे रहस्य को उजागर करके रख दिया। मंत्र बता दिया, विधि विधान सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया। जो गढ़वी विद्या मैं जानता था, वो गढ़वी विद्या बिल्कुल उनसे मिलती जुलती है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने, जो मेरे साथ आए थे, उनकी गाड़ी की चाबी ले ली और चाबी को कहीं अलग छुपा दिया। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग चाबी को लेके अपने अपने जेब में रख रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और चंद सिक्के अलग छुपा दिए गए। मंत्रों द्वारा चावल को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति के ऊपर मारा जा रहा है। आंखों पे पट्टी बांध कर उसके हाथ में कटोरा दिया गया है। जो स्वयं सिद्ध किया हुआ है वो अपने आप चलने लगता है। ये मैंने सब कुछ अपनी आंखों से साक्षात देखा है। ना कोई कलाकारी, ना कोई ट्रिक शामिल है इसमें। वो व्यक्ति मेरे परिचित था, यानी मैं जिसको जानता था, वो व्यक्ति योगी जय श्रीवास्तव का कोई नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मित्र। यदि आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं, भूत प्रेत, जादू टोना, ऊपरी हवा या साधना सिद्धि करना चाहते हैं, तो यूपी के आसपास या गोरखपुर के यदि आप आसपास हैं तो उनको जाकर जरूर मिले। मेरा अनुभव है कि आप उनसे मिलने के बाद तमाम जिज्ञासा आपकी शांत हो जाएगी, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। मेरी पुस्तक जीवन यात्रा एक रहस्यमयी खोज में मैंने जिस 10वें महारथी का जिक्र किया था, वो यही वो सज्जन है, साधक है, श्री योगी जय श्रीवास्तव जी, जिनका मोबाइल नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप अपनी समस्याओं के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके बताए हुए समय पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा आप उन्हें परेशान न करें, क्या पता वो साधना में हो या कोई पूजा में हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे आप समय ले लें, फिर उनको फ़ोन पर बात करें। मैं उन सभी तंत्र साधकों से ये अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ, मैं उन सभी तंत्र साधकों के लिए एक नया प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप भी तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव से सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, यदि आपके पास भी कोई विद्या हो या पुराने ज़माने की कोई किताब हो, इंद्रजाल या कोई भी तंत्र की पुरानी पुस्तक जो 100-200 साल पुरानी हो, और आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं आपको अपने YouTube वीडियो में डालकर आपको प्रमोट करूँगा, सहयोग करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो मैं आप लोगों के सामने बनाकर लाता रहूँगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़। Yeah.
लुणा चोहरी बच्चे चले जा रहे